Let's listen into what Rajmani Patel, in fact, had to say about this. I'm being joined by former member of parliament, Mr. Rajmani Patel. Sir, ओपन ए आई नाम की एक कंपनी है जिन्होंने कल एक रिपोर्ट जारी की है. उन्होंने कहा है कि इसराइल की एक कंपनी है स्टॉइक जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है. इसका उपयोग करने के बाद जो है एंटी मोदी ज्यादा दिखाया गया है, प्रो कांग्रेस ज्यादा दिखाया गया है और इस पे भाजपा ये कह रही है कि लगातार विपक्ष दलों के द्वारा जो है एक फॉल्स नैरेटिव, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस ज्यादा और ये कहीं ना कहीं देश की जो डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं खतरे में डालने की साजिश की जा रही है. इस पे क्या कहेंगे? हम तो इसमें केवल इतना कहना चाहते हैं कि पता नहीं ये जो दौर मोदी जी का आया है इस दौर में सब काम उल्टे हो रहे हैं. हमेशा जो सत्ता में होता है उसकी जवाबदारी ज़्यादा होती है, वो मालिक होता है, उसके हाथ में संविधान होता है, उसके हाथ में कानून होता है, उसके हाथ में सब कुछ उसके हाथ में होता है. तो जवाबदारी और जिम्मेदारी सबसे अधिक सत्ता की सरकार की होती है. लेकिन ये पहली बार ये देख रहे हैं कि किसी भी जवाबदारी को लेने से सत्ता पक्ष इनकार करता है, किसी भी चुनौती का सामना करने से पीछे हटता है और उल्टा वो सवाल जो है विपक्ष से करता है. ये बड़ा दुर्भाग्य है प्रजातंत्र के लिए. इसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की जरूरत है कि जो इस तरह से विदेश की एजेंसियां हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, मुखिया बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है. सवाल यह है कि उनकी अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए. सबसे पहले ये कहने के उनका दायित्व होता है कि उस संबंध में वो कार्यवाही करें, क्योंकि उनके नजरों में है, उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी है कि कौन विश्व में हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन हमारे प्रजातंत्र को कमजोर करने कर रहा, क्यों कर रहा है. ये जवाबदारी तो सबसे पहले सत्ता की होती है, तो उनको करना चाहिए. तो ये करते नहीं और बयानबाजी करके जो है भारत के और दुनिया के लोगों को ध्यान बटाना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है. सर, आज जो है एग्जिट पोल्स के नतीजे आएंगे शाम को. वहीं सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है वो किसी भी एग्जिट पोल डिबेट में वो भाग नहीं लेंगे, उनको जो है जनता के मैंडेट के ऊपर भरोसा है. वहीं सर भाजपा ये कह रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार डिनायल मोड में रही है और ये भी अच्छा होगा कांग्रेस के लिए कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब अपने बंकर्स में छुप जाएं. नहीं, उनको सलाह बताने की जरूरत नहीं है. बंकर तैयार अपना भारतीय जनता पार्टी कर ले.